दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और आज एक नई सीरीज नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपके साथ लाइव रहूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो सीरीज है डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो इसमें हम लोग एक पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अभी SBI PO क्लर्क के एग्जाम्स आने वाले हैं और IBPS भी आगे आएगा। तो हम लोग आज प्रैक्टिस मॉक का एक पेपर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक पाई चार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्री लेवल का ही क्वेश्चन है। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करें और देखें कि आपसे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पूरा क्वेश्चन आपके सामने पूरी स्क्रीन पर दिया गया है, और मैं स्क्रीन को थोड़ा मूव करके यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ। ठीक है, लिंक नीचे ये दिया हुआ है, आप ध्यान रखना, practicemock.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाकर आप साइनअप कर लें, आपको ऐसे क्वेश्चंस और बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये कहा गया है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ओके, तो ये हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन है और ये इंग्लिश में है। यहाँ पर कहा गया कि पाई चार्ट जो है वो 2015 में, साल 2015 की बात की जा रही है, पांच अलग अलग कंपनियां हैं ABCDE, इनके द्वारा टी शर्ट सेल होती हैं। ठीक है, टी शर्ट बेची जाती हैं। तो ये जो टी शर्ट बेची जा रही हैं, ओके, तो इनका ही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। ओके, अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसमें बी नेक भी है और राउंड नेक भी है, मतलब दो तरीके की टी शर्ट है, एक जो बी गले की पहनते हैं हम लोग और एक राउंड। ओके, तो ये दो तरीके की टी शर्ट यहाँ पर दी गई हैं, और हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो डेटा आपको दिया गया है इसी से ही आपको पूरे क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी शर्ट सोल्ड, जो भी टी शर्ट सोल्ड की जा रही है इनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया है। ओके, अब जैसे सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, ए कलर ए है, बी है, सी है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये ऑरेंज यहाँ पर आ रहा है तो बी यहाँ पर होगा, इससे पहले ए आ रहा है तो ए यहाँ पर होगा, ए बी सी आपका ये आ रहा है और डी आपका ये होगा और ई आपका यहाँ पर हो जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है। ओके, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सबसे नीचे दी गई है, तो यार ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर हम अपना पूरा फोकस रखेंगे। ओके, अब आप ये देखो, यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, मैं लेकिन एक एक लाइन आपको हिंदी में बताऊंगा कि मतलब क्या है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं। लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी नेक टू राउंड नेक टी शर्ट सोल्ड बाय ए इज 5:4, मतलब जो कंपनी ए है, ठीक है, तो ध्यान रखना कंपनी ए, तो कंपनी ए के द्वारा, ओके, यहाँ पर रेशियो दिया है बी नेक टू राउंड नेक जो टी शर्ट सोल्ड की जा रही हैं, मतलब बी नेक टू राउंड नेक का आपको रेशियो अनुपात दिया गया है, कितना दिया है 5:4, ये यहाँ पर दे दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगली लाइन क्या कहती है। अगली लाइन कह रही है अभी हमें जितना डेटा पता है हमने उसको यहाँ पर यूज़ कर दिया, वैसे आप इसको 5x मान लो और इसको आप 4x मान लो। ओके, अब आगे यहाँ पर कहा गया है द नंबर ऑफ राउंड नेक टी शर्ट, मतलब जो राउंड नेक टी शर्ट है कंपनी ई के द्वारा वो क्या है, इसमें कहा गया 50% मोर देन द नंबर ऑफ बी नेक टी शर्ट सोल्ड बाय द सेम कंपनी, मतलब यहाँ पर कंपनी ई की बात की जा रही है और कंपनी ई में जो वी नेक की टी शर्ट सोल्ड हुई हैं उनसे 50% ज़्यादा यहाँ पर राउंड नेक की टी शर्ट सोल्ड होती हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। तो अगर ये 100 होती हैं तो ये कितनी हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी। रेशियो यहाँ पर बना सकते हो, 50 से दो बार जाएगा, 50 से तीन जाएगा, 3:2, मतलब राउंड नेक टू वी नेक का रेशियो आ गया यहाँ पर कंपनी ई का 3:2। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंपनी ए में हमने ये वी नेक टू राउंड नेक लिया है और कंपनी ई में राउंड नेक टू वी नेक है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे प्लस माइनस, ठीक है, तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हमें वी नेक है तो बी नेक में ही उसके साथ रिलेशन बनाना होगा और राउंड नेक है तो राउंड नेक के साथ में ही, ठीक है। ये डेटा को मैं रीड करने का आपको एक तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर क्या कहती है, ये कहा गया कि टोटल नंबर ऑफ बी नेक टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी ए। आप एक काम करो, ये 3:2 दिया है तो आप इसको भी मान लो, इसको मैं यहाँ पर 2:R कर दे रहा हूँ, बी नेक का राउंड नेक के साथ रेशियो 2:3 है, इसको हम मान लेते हैं 2y, इसको मान लेते हैं 3y, ठीक है, क्योंकि आगे हम इसका यूज़ करेंगे तो अभी हमने xy की वैल्यू भी निकालनी होगी, तो इस फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना, टोटल नंबर वी नेक टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी ए
एंड ई टूगेदर आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ राउंड नेक टी शर्ट एंड सोल्ड बाय द सेम कंपनीज टूगेदर दैट इज 560. ओके, अब यहाँ पर आपके मन में क्या इस लाइन से आशय क्या निकल कर आएगा? ये कह रहे हैं कि टोटल जो वी नेक टी शर्ट हैं ए और ई दोनों की, तो देखो कंपनी ए में वी नेक कितना है, ये हमारा 5x है, और अगर कंपनी ई में जो वी नेक है वो कितना है, ये आपका 2:1 में है, तो 2/2 है, मतलब ये 5x प्लस 2/2, यहाँ पर कहा गया 5x प्लस 2/2, ये बराबर किसके होगा, ये कहा गया है आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ राउंड नेक टी शर्ट सोल्ड बाय द सेम कंपनीज दैट इज ए और ई. तो राउंड नेक की अगर मैं बात करूँ तो ये 4x है, तो मतलब ये 4x के बराबर हो गया, प्लस इसका भी 4x ले लो, इसका भी यही राउंड का रेशियो लेना होगा कंपनी का, तो कंपनी का राउंड कितना है, 3/2 है. ये दोनों बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, ये वैल्यू दी गई है 560 के बराबर. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? आज थोड़ा फील आ रहा होगा, कमेंट करके यार जरूर बताना, ताकि ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो इनको हम आगे भी कंटिन्यू रख सकें. ओके, और थोड़े टाइम के बाद में आपको कैमरे की क्वालिटी और भी अच्छी दिखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो लैपटॉप का वेबकैम होता है उससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में लॉजिटेक वगैरह के जो हैं कैम्स हमने ऑर्डर किए हुए हैं वो आएंगे, तो उनके साथ अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हमने इतना पढ़ लिया, इतना क्वेश्चन हमें पता है. ओके, अब देखो जब ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर है 560 के, सीधा सीधा आपके मन में ये पॉइंट आना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर आप इन दोनों को जब बराबर रख लो, जैसे मैंने केवल इतना लिख दिया 5x प्लस 2y, ये बराबर हो गया 4x प्लस 3y के. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये 5x है, अगर आप इस 4x को इधर लाओगे तो 5x माइनस 4x हो जाएगा. ठीक है, तो ये कितना बचेगा, x बचेगा. ये 2y को इधर ले जाओ, 3y माइनस 2y, तो मतलब y बचेगा, y. अब देखो यहाँ पर x और y दोनों आपके हो गए क्या, बराबर हो गए. अब इससे आप क्या निकाल पाओगे कंक्लूजन, सबसे पहली बात, ये जो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, चाहे ये वाली आप उठा लो चाहे आप ये वाली उठा लो, वैसे ये दोनों इक्वेशन अल्टीमेटली अलग अलग हैं. आप इस तरीके से देखना, 5x प्लस 2y ये आपका हो जाएगा 560, और ये वाला आपका पोर्शन कितना है, 4x प्लस 3y, ये भी आपका 560 के बराबर है. तो ये अलग अलग इक्वेशन अल्टीमेटली हैं. ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि x और y जब दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर मैं किसी को भी पिक कर लूँ, चाहे इसको, दोनों से मुझे वैल्यू मिल जाएगी. तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को उठाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 5x प्लस 2y विच इज़ इक्वल्स टू 560, तो यहाँ पर मैं x को तो एज इट इज़ रखूँगा, 5x वाले को 2y, y की जगह पर मैं अब x यूज़ कर दूंगा, क्योंकि दोनों तो हैं बराबर, तो ये भी 2x हो गया, बराबर कितना हो गया 560, अब ये हो गया 7x, तो x की वैल्यू 7 से डिवाइड कर दो, कितनी आ गई 80, x की वैल्यू आपको मिल गई 80. आप क्या करो, इस x को चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपको दोनों चीज़ें मिल जानी है. ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीधी सी बात है, इस x 80 जब मुझे मिल गया तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ. ओके, तो मुझे y भी मिल जाएगा. आप क्या करो, देखो 80 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया 400x प्लस 2y बराबर 560, तो यहाँ पर 2y कितना हो जाएगा, ये आपका 400 होगा ना, तो इसको आप इधर भेज दो, तो 560 में से 460 बचा, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 80. तो एक्स और बाई, देखो अल्टीमेटली इसको निकालने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा कर सकते हो, जब आपको पता है कि एक्स और बाई मेरे दोनों बराबर हैं, तो मैं इस एक्स को मैंने जब निकाल दिया तो बाई भी दोनों 80-80 आ जाएंगे, सीधी सी बात यहाँ पर ये आ गई. ओके, अब यहाँ पर टोटल ए भी निकाल सकते हो और ई भी निकाल सकते हो, कैसे आपको मैं बता दूं. देखो ए में जो वी नेक है और आर राउंड नेक है, इनका मुझे 5:4 रेशियो बताया, टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया 9x. ठीक है, ए हो गया हमारा 9x. अगर मैं कंपनी ई में बात करूं, राउंड और वी नेक ये दोनों कितने 5 में रेशियो में है ना, तो ये हो गए हमारे 5/2. ओके, तो आप ये देख लो कि अगर आप ए का निकालोगे तो 9x है, x की वैल्यू पता कितनी 80 है, 9 × 80 कितना हो जाएगा 720. अगर आप बी का निकालोगे, यहाँ पर बी नहीं, ये कंपनी ई, इसका हमें पता है ना 5, तो 5 × 80 ये कितना आ गया 400. ओके, अब इनसे आप बाकी वैल्यूज़ को कैसे निकालोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको कंक्लूजन बताऊँगा कैसे निकालना है. ओके, इसके लिए ये स्क्रीन तुम्हारी भर गई है, थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हमारी आ गई हैं इनको हमें यूज़ करना होगा. ए कितना आया 720 आया, तो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि ये हमारा ए था ना,
ये हमारा आ गया 720, ओके। और ई हमने निकाल दिया, ये लास्ट वाला, ये हमारा कितना आ गया 400, ओके। अब आप यहाँ पर ये देख लो कि ये 18% क्या है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी शर्ट सोल्ड, ओके। ये हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है टी शर्ट सोल्ड का। तो अब हमें पता लग गया कि 720 टी शर्ट यहाँ सेल हुई हैं और ई में कितनी बताया गया, ये बताया जा रहा है 400, ओके। अब सबसे पहले आप इक्वेट कर दो, देखो ये 10% है तो 10% की वैल्यू अगर आप 400 रखते हो, 1% आपकी 40 मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप 18 की वैल्यू 720 रखते हो तो 1 की वैल्यू कितनी, 40। तो दोनों साइड से आपका आंसर सेम आएगा और आप जो है क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको वही मिलने वाला है दोनों साइड से डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर अदर चीज़ें निकाल देंगे, मतलब नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी बी, यहाँ पर आप नोट भी कर लो, नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी बी। तो अगर मैं इस कंपनी बी की बात करूँगा, देखो एक की वैल्यू जब 40 है तो अगर आप देखो ए बी, ये ए था, ये बी हो गया, ये सी और ये डी और ये आपका ई है। तो अगर मैं बी की बात करूँ तो बी का 25 दिया हुआ है, 25 × 40 करोगे कितना आ जाएगा, 1000, ओके। दूसरा अगर आप नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी सी करोगे, सी कितना दिया है, 12% यहाँ पर, तो ये 12% × 40 कर दो तो कितना हो गया, 480। बी भी आ गया, सी भी आ गया, अब डी निकाल सकते हो, डी कितना है, 35 है, 35 × 40 कर दो, देखो 30 × 40 120, 5 × 40 कितना हुआ, 20, तो ये कितना हुआ, 140, ठीक है, 1400 आपका ये बन जाएगा, ओके। मतलब ई का आपको पता है, ए का आपको पता है और बी सी डी हमने निकाल दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन जो जो आएंगे एक एक करके हम यहाँ पर डील कर लेंगे। देखो बेसिक समझना ज़्यादा ज़रूरी था, बेसिक समझ लिया तो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं, इफ़ 80% ऑफ द टी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी ए वर सोल्ड देन फाइंड द नंबर ऑफ टी शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी। मतलब यदि कंपनी ए द्वारा निर्मित 80% टी शर्ट जो है ये बेचे गए, यहाँ पर डेटा को मॉडिफाई कर दिया गया है, ओके। अब हमें थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी, कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमने यहाँ पर जो कंपनी ए था ये हमें पता था कि कितने सोल्ड प्रोडक्ट हैं दोनों में, बी नेक और आर नेक, ये हमने 9:1 में निकाले तो कितना आया था, ये आपका आया था 720 कंपनी ए का, ओके। तो ये नंबर ऑफ सोल्ड आइटम्स आए हुए हैं यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन कह रहा है कंपनी ए द्वारा निर्मित 80% टी शर्ट बेचे गए, तो मतलब उस हिसाब से 80% की वैल्यू ये आपको दे दी गई है यहाँ पर, कितनी, 720, ठीक है। तो 1% कितना हो गया, ध्यान देना, 1% आपका हो जाएगा 8 से 9 बार जाएगा। अगर आप 100% जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो तो 100% होगी ना, तो हमें 80% जो है सोल्ड आइटम्स की वैल्यू अपडेटेड क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। तो 80% की वैल्यू 720, 1 की वैल्यू 9, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900। तो यहाँ पर जो है टोटल टी शर्ट की संख्या पूछ रहा है कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो मैन्युफैक्चरिंग हुई है 900 की, जिसमें 80% जो है सोल्ड हो गए और ये आपके 20% जो है नियर अबाउट डेटा आपका बचा हुआ है, ओके। तो ये आपका इस फॉर्मेट में आंसर निकलेगा, समझ में आ रहा है ना आप सभी को। देखो पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपको पड़ेगा, जब हमने इस क्वेश्चन को बनाया तो हमें यहाँ पर दिया गया था कि ये जो भी डेटा दिया है सोल्ड बाय द सेम कंपनी, मतलब सब कुछ सोल्ड की बात की गई थी, ओके। तो यहाँ पर हमने देखा था कंपनी ए में वी नेक और आर नेक कितना सोल्ड हुआ था, 9:1 में 1:1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 80 आई थी तो ये आ गई थी 720। तो यही बात है कंपनी ए में जो सोल्ड हुआ है वो आइटम है 720, सोल्ड की वैल्यू वहाँ पर दे दी गई 80% बराबर 720। तो यहाँ से आप 100% मैन्युफैक्चरिंग निकाल सकते हो, पूरा क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये आपसे बन जाएगा, इसमें कहा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी डी एंड ई। तो मतलब डी और ई के बीच में डिफरेंस बताओ, डी का 1400 है, ई का 400 है, इन दोनों का डिफरेंस सीधा सीधा निकालना है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000 का, ठीक है, ये आपका डिफरेंस यहाँ पर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 3 वाला, देखो इसमें क्या दिया है, यदि कंपनी सी द्वारा बेची गई वी नेक और राउंड नेक टी शर्ट की संख्या का अनुपात 9:7 है, तो कंपनी सी द्वारा बेची गई राउंड नेक टी शर्ट की संख्या ज्ञात करिए। मतलब इफ़ द नंबर ऑफ रेशियो, इफ़ द रेशियो
द नंबर ऑफ बी नेक टू राउंड नेक टी शर्ट सोल्ड बाई कंपनी सी। देखो कंपनी सी का टोटल कितना है, ये आपका 480, सीधी सी बात है। अब इसी 480 में जो वी नेक है और एक क्या है आपका राउंड नेक है, इनका रेशियो कितना दिया है, 9:7 दे दिया गया है। ओके, फिर आपसे पूछा क्या है कि सीधी सी बात है राउंड नेक की वैल्यू निकालो, मतलब 9 और 7 16, तो 16 रेशियो की वैल्यू हो गई 480। एक रेशियो यहाँ पर निकाल दो कितना आ गया, 16 3 48 होता है ना, तो एक की वैल्यू आ गई 30। पूछ क्या रहा है, राउंड नेक पूछ रहा है, तो ये 7 रेशियो निकालना है, एक की वैल्यू पता है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 30, तो ये कितना आ गया 210। सीधा सा क्वेश्चन है। ओके, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको आ रही होगी। एक और प्रश्न यहाँ पर करते हैं, इसमें कहा गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी बी इन 2016 डिक्रीज बाय 15% विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, देन फाइंड द नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय बी इन 2016। तो जो आपको अल्टीमेटली ये जो डेटा दिया गया है, ये आपको 2015 का डेटा दिया गया है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर 2016 में जो कंपनी बी द्वारा जो सेलिंग है, ठीक है, जो सोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं कंपनी बी द्वारा 2016 में, तो यहाँ पर कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 15% की कमी हो गई है। ओके, तो आप यहाँ पर ये देखो कि कंपनी बी 1000 है, ये पिछले वर्ष में था, अब इस वर्ष में क्या हो गया, इस वर्ष में कमी हो गई है, कमी कितनी हो गई है 15% की, ठीक है, तो इस पर ही तो कमी होगी, तो इसका सीधा सीधा 15% कम करके निकाल दो, ये कितना आ गया 850 आ गया, तो इस वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी 850 हो जाएगी। क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर है, नथिंग कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हियर। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि 2015 में दी गई प्रत्येक कंपनियों द्वारा बेची गई टी शर्ट की संख्या का औसत निकाल दो, तो क्या औसत कैसे निकालोगे, एवरेज पूछ रहा है आपसे कि नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड बाय ईच ऑफ द गिवन कंपनीज इन 2015। तो ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये 2015 के ही तो हैं, तो आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करो और डिवाइड बाय 5 कर दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये एक पोर्टफोलियो जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया, ये एक क्लर्क लेवल का, मैं यही कहूँगा कि आसान क्वेश्चन है, केवल जो पहले क्वेश्चन में नीचे लाइन दी गई है उनको आपको रेशियो में बदलना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन में ट्रिक नहीं थी। देखो क्या होता है कि जब कभी भी बैंक का एग्जाम होता है तो वो बहुत सारी सेवरल शिफ्ट में होता है। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर शेयर भी करूँगा, जैसे अगर मैं SBI की बात करूँ तो आप देखो 8 को भी है 9 को भी है, ठीक है, इसके बाद एक शिफ्ट आपकी और भी है, तो इस 8 तारीख को लगभग 4-5 शिफ्ट होती हैं, ठीक है, अगर 4 शिफ्ट मानो, 9 को भी 4 शिफ्ट मानो, तो 8 शिफ्ट में जो कभी ना कभी कोई ऐसी शिफ्ट होगी जिसमें इस तरीके का एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ओके, तो अब ये आपका लक रहता है कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम है। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे 3 DI अगर आई, ठीक है, 3 डेटा इंटरप्रिटेशन आए, तो एक आपको इस लेवल का मिलेगा, एक थोड़ा इससे टफ मिलेगा, और जो टेबल DI आपको मिलेगी वो आपको कैलकुलेटिव थोड़ी सी जरूर मिलेगी, उसमें आपको कैलकुलेशन बनानी पड़ेगी। ओके, लेकिन सीधा सीधा जो क्वेश्चन दिया होता है ना डेटा के ऊपर, वो क्वेश्चन आपको SBI PO में तो मिलने वाले नहीं। जैसे डेटा के ऊपर क्वेश्चन कैसा होता है कि एक आपको मैंने कहा एक ग्राफ दे दिया गया है। ओके, अब जैसे ग्राफ दिया गया है तो यहाँ पर वैल्यूज दी गई, ये 500 है, ये 200 है, ये 300 है, तो वो कभी ये नहीं पूछेगा कि आप कंपनी ए बी सी का एवरेज निकालो, या कंपनी ए जो है वो सी से हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन हाउ मच परसेंट लेस देन। थोड़ी बहुत ऐसी कैलकुलेशन होगी जो आपको वहाँ पर करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा फंडा होना चाहिए कि हमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और अभी मैं कुछ किसले DI और प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनको भी मैं एक दो दिनों में अपलोड करूँगा। तो पहले तो आप लोग ये बताना कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, आज काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे मुझे भी पढ़ाते हुए, क्योंकि आप लोगों से डायरेक्टली लाइव इंस्ट्रक्शन मिल रहा है, और आप लोग देख भी रहोगे कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन अप्रोच करें। मेरा ऐसा मानना है किसी भी क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से एक बार पढ़ लो, देख लो, उसके बाद आप उसको जब एनालाइज करके सॉल्व करोगे तो आपसे डेटा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन लोग देखते हैं तुरंत सॉल्व करना चालू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि कोई ऐसा एक या तो फैक्ट छूट जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप उस क्वेश्चन को एक बार पूरा ऑब्जर्व कर लो, आपके माइंड में बहुत सारा रिकॉल हो जाएगा, बार बार आपको बैक नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेटा कई सारे आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, तो पहले आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो पढ़ते टाइम पर कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे लूप होते हैं जो नेक्स्ट लाइन में दिए गए होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करूँ, सीधी सी बात है,
यहाँ पर आपने देखा था कि आज वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि टोटल नंबर ऑफ बी नेक टी शर्ट सोल्ड बाय कंपनी ए एंड ई टुगेदर आर इक्वल। अब इसके बाद ये वाली लाइन भी थी, फिर इसके बाद ये वैल्यू 560 के बराबर दी थी, तो पूरी लाइन को एक ही बार में हम बना सकते हैं। ओके, इसका हमें कई जगह पर फ़ायदा मिलता है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। ओके, तो ये आज की थीम थी, और ऐसे और भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक के साथ में हमने बहुत सारे टाइप किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हम इनके सॉल्व भी कर रहे हैं, और आपके लिए मैं और भी पेपर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ डिफरेंट वैरायटीज सॉल्व करो, जिससे आपको पता लगे कि क्वेश्चन के लेवल क्या एग्ज़ाम में आते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो आज का सेशन बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसी तरीके से मिलेंगे। आप लोग अपना फीडबैक जो भी है प्लीज़ इस वीडियो के नीचे पोस्ट जरूर करना, और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो प्लेलिस्ट होती है उसके ऊपर थोड़ा सा जरूर फोकस करा करें, ये यहाँ पर प्लेलिस्ट हम कुछ रखेंगे साथ में यहाँ पर, और ये हमारा ट्विटर हैंडल है, फेसबुक का ग्रुप भी हमारा यही है, करंट अफेयर्स फंडा के नाम से आप ग्रुप सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट हमारी currentaffairsfunda.com। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।